नागपुर से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़, जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग जारी। गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। आपको बता दें कि डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन के करीब 1000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन पर हैं और नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है ये बड़ा ऑपरेशन। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों और पुलिस के बीच जारी फायरिंग की जानकारी मिल रही है। गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया के जंगल में ये मुठभेड़ जारी है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन के करीब 1000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन पर निकले हैं और नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरे मामले में जानकारी साझा की। बताया जा रहा है कि सभी कंपनीज मिलकर, सभी बटालियन मिलकर इस पूरे मामले में, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, जहां नक्सलियों की साफ सफाई का जो जिम्मा है इस वक्त डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन के कंधों पर है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीनिवास, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां पर मुठभेड़ इस वक्त जारी है और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, माओवादी के खिलाफ जो सुरक्षा पर लगातार आक्रामक रूप से प्रहार कर रही है, उसी के तहत जवानों को एक इनपुट मिला था, एक सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में माओवादी जो पीड़िया जंगल है गंगालूर थाने में एकत्र हुए हैं, जिसके बाद बस्तर डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और बस्तर बटालियन के लगभग 1000 जवान ऑपरेशन में निकले। और अभी खबर ये मिल रही है कि सुबह से दोनों के बीच फायरिंग जारी है। चूंकि अंदरूनी इलाका है तो जवानों की स्थिति क्या है और नक्सलियों की स्थिति क्या, इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और जैसे ही जानकारी आएगी तो एसपी बीजापुर ने ये जानकारी अवगत कराई है कि नहीं, फिलहाल अभी दोनों ओर से मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के मारे जाने की भी कोई खबर श्रीनिवास? देखिए, बड़ी संख्या में जवान जब सर्चिंग में निकले हैं, ऑपरेशन में निकले, तो स्वाभाविक है बड़ी घटना हो सकती है। बड़े नक्सलियों को भी किया गया होगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ देर रुकना पड़ेगा क्योंकि इलाका काफी अंदरूनी है, तो जानकारी आने में अभी कुछ देर समय लगेगा। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।